मध्य प्रदेश का सीधी पेशाब कांड कई दिनों से सुर्खियों में है। ये मामला सामने आने के बाद शिवराज सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। NSA लगाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। फिर उसके घर पर मामा ने बुलडोजर भी चलवा दिया। इन सब के बीच पीड़ित दशमत रावत के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जून को दशमत रावत के पैर धोए और फिर उनसे माफी मांगी। वहीं अब CM शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सीधी के कलेक्टर खुद आर्थिक मदद लेकर दशमत के घर पहुंचे। जानकारी के अनुसार सीधी के कलेक्टर ने दशमत रावत को 5 लाख की मदद दी है, साथ ही आवास निर्माण के लिए भी 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत की है। सीधी के कलेक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के CM के निर्देशानुसार दशमत रावत को 5 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान किया गया है। उनके घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी स्वीकृत की गई है। बता दें, बीते मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दशमत रावत पर स्थानीय BJP नेता प्रवेश शुक्ला पेशाब करता दिखा था। वीडियो वायरल होने के बाद घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश देखा गया। इस कांड के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात गिरफ्तार कर लिया गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। वहीं 6 जुलाई को CM शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को अपने आवास पर बुलाया था। CM ने दशमत रावत से माफी मांगी और उनके पैर धोए और फिर उनके साथ भोजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोते हुए एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। दशमत रावत से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे वो वीडियो देखकर काफी दुख हुआ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लोग मेरे लिए भगवान की तरह हैं।